15 साल का जो काला सच है बाघमारा विधानसभा क्षेत्र का, अब वो आपके सामने उजागर होने जा रहा है। जिसका नाम है धर्मेंद्र कुमार पांडे, दरीदा पंचायत मुखिया। उनका कहना है कि लगातार शोषण हुए गरीब मजदूर को इस ढंग से त्रस्त कर दिया है कि अब वह न घर के है न घाट के। ओपन कास्ट माइंस प्रोजेक्ट में चल रहे काम माफिया लोग अपना ही आदमी को रख करके काम करवाते हैं, और जो साथ में जो मजदूरी दिया जाता है उन्हें सरकार द्वारा मुहैया कराया गया पेमेंट का मात्र 50% ही होता है। इस स्थिति में इस महंगाई को देखते हुए 8 से 10 हजार रुपये में घर चलाना हर किसी के लिए मुश्किल नजर आ रहा है, मगर इस विधायक शासन किसी भी ढंग से इस पर संज्ञान आज तक नहीं लिया है। इसके पीछे जो सच है कि कहीं ना कहीं ये सारे लोग इसमें संलिप्त है और अपना पेट भर रहे हैं। बाघमारा की जनता एक भाई वाले माहौल में रह रही है और किसी को सर उठाने की हिम्मत नहीं है। जो भी कदम उठता है शायद वह दोबारा उस लायक नहीं रहता है। देखिए एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता योगेंद्र कुमार बाघमारा से। तो चलिए अब एक ऐसे व्यक्ति से हम आपकी मुलाकात कराएंगे, वो आपको बाघमारा का आईना दिखाएंगे। 2024 का आईना तो सामने आने वाला है, कुछ दिन के बाद आ ही जाएगा, लेकिन 2024 से पहले जो विकास की गति थमी हुई है, एक दो जगह सिमट गई है, उसका आईना शायद कोई नहीं दिखा सकता है, या किसी में हिम्मत नहीं है, या कोई बोल भी नहीं सकता है। शायद बहुत तरह का ऊंचा ऊंचा मीनार खड़ा किया गया है। आइए मिलते हैं, सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार पांडे हुआ, दरदा पंचायत के रहने वाला हूँ, झगड़ाही ग्राम है। ग्राम हुआ आपका। और एक ही बताइए कि बाघमारा का विकास के बारे में आप एक संक्षिप्त ब्यौरा दीजिए जनता को। बाघमारा का विकास आज तक यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हुए उन्होंने अपने दिमाग में इस सोच को रखा ही नहीं कि मुझे बाघमारा का विकास करना है। अगर वो सोचते तो कोयला खदान हमारे बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के चारों ओर है और कोयला का मंत्रालय कलकत्ता में है। ये सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि हुए इन्होंने आज तक ये आवाज़ नहीं उठाया। इनको सिर्फ भय भूख को बढ़ाकर अपना राजनीतिक रोटी सेकना था। इन्होंने आज तक यही किया, अपना राजनीतिक रोटी सेका, यहाँ के लोगों के काम से इन्हें कोई वास्ता नहीं रहा। तो क्या यहाँ की जनता बेरोजगार है या खुश है? यहाँ की जनता भूखों मर रही है। बाघमारा में जितना खनिज संपदा है यहाँ के लोग बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन यहाँ हम बार बार बोल रहे हैं आज तक जितने भी जनप्रतिनिधि हुए उन्होंने यहाँ के विकास के बारे में सोचा ही नहीं। उन्हें सिर्फ अपना झोली भरना है और राजनीतिक रोटी सेकना है। तो आपको क्या लगता है कि बाघमारा का फिर विकास होगा तो होगा कैसे? यहाँ के लोगों को राजनीतिक सोच बदलना होगा। जो काम करने के प्रति संकल्पित है उनको चुनना होगा और उन्हें ये नहीं देखना होगा कि ये फलना है वो फलना है। जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति को चुनना होगा और आने वाला समय में अभी जो लहर चल रहा है पार्वती देवी जी का, लोगों को इन पे एक विश्वास, एक उम्मीद जगी है कि जो आज तक जो जनप्रतिनिधि जमीन में जुट के काम नहीं किए हैं, ये जमीन से जुड़ी हुई नेत्री हैं, कोई बहुत धनाढ्य परिवार की नहीं है, ये गरीबों का दुख दर्द समझती हैं क्योंकि ये उस मुकाम से गुजरी हुई हैं कि गरीब अपना जीवन यापन कैसे करता है वो जानती हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये अपने काम में सफल होंगी और आज जनता में भी उत्साह का माहौल है। पार्वती देवी जी के मैदान पर आ जाने से जो राजनीतिक मठाधीश लोग हैं वो लोग भयभीत हैं,
वो लोग भयभीत हैं कि ये महिला नेत्री इतना ज़्यादा, इतने कम समय में इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण इनका काम करने का तरीका, जन जन तक इनका पहुंचने का जो तरीका है वो लोगों को पसंद आ रहा है। एक सवाल और है, विधानसभा में अच्छा खासा बड़े बड़े दिग्गज लोग खड़े हो रहे हैं, दबंग, पैसे वाले, शक्ति वाले, बहुत तरह के हैं। इस बीच में इस महिला का कहाँ रोल होगा, कैसे लड़ पाएंगे उनसे? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है सर, आपने चुना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना बड़ा ये आपका लड़ाई है, इसमें आप कैसे पार्वती देवी को खड़ा कर पाइएगा? पार्वती देवी जी के साथ जनता है, लोगों के पास पैसा है, ताकत है, लेकिन पार्वती देवी जी के पास जनता का ताकत है, और जनता जिसके साथ है मंजिल उसी को मिलेगी। ये जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं और ये इस चीज़ को भली भांति समझ रहे हैं, जिसके कारण वो आज भयभीत है कि हमारा पैसा, हमारा सब माफियागिरी धरा का धरा रह जाएगा। सब तो पार्वती देवी जी के साथ आज जुट रहा है, रोज हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग पार्वती देवी जी के साथ जुट रहे हैं। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम जनता के ताकत के द्वारा, जनता का साथ के चलते हम यह लड़ाई जीत पाएंगे। तो आपने देखा कि जनता का समर्थन जहां होगा, जहां रुझान होगा, विजय वहीं पे होगा। वहां पे ना शक्ति काम आता है, ना ही आपका ताकत काम आएगा। काम आएगा तो जनता का विश्वास, और जनता का विश्वास आप तभी जीत सकते हैं जब आप सही मायने में काम कर रहे हैं, वो भी जनता के लिए, दिखावे के लिए नहीं, काम करके दिखाने की बात है। यहाँ अब शायद बाजी पलटने वाला है, क्योंकि जनता भी त्राहिमाम हो चुकी है। 15-20 साल से लगातार एक ही एजेंडा, एक ही सिस्टम, एक ही तरीका, लेकिन विकास का सीमा रेखा एकदम जीरो किया गया है, बेरोजगारी को बढ़ा चुका है, गरीब लोग पलायन कर रहे हैं दूसरी जगह, अपना भूख मिटाने के लिए, रोजी रोजगार के लिए दूसरे जगह जा रहे, शहर में नहीं दूसरा राज्य में जा रहे हैं। उससे नुकसान या बेइज्जती तो हमारे झारखंड राज्य की ही हो रही है, इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहाँ के जो नेता लोग हैं या यहाँ के जो विधायक लोग हैं, इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि जनता को कैसे दुख, जनता का दुख दर्द कैसे दूर किया जाए। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को हम यही संदेश देंगे, चुनाव के दरमियान बहुत सारे झोला छाप नेता भी आएंगे, माननीय लोग भी आएंगे, आपको प्रलोभन देंगे, कोई मीट खिलाएंगे, कोई खसी खिलाएंगे, कोई दारू पिलाएंगे, लेकिन 5 साल फिर वो जैसे आपको ठगे हैं वही ठगने का काम करेंगे। हम जनता से निवेदन करेंगे, बिना आग्रह करेंगे, बहुत दिन हो गया, अब उन ठगबाजों से बचिए, उन ठगबाजों से बचिए, और जो काम के प्रति संकल्पित है, जो विकास के प्रति संकल्पित है, आपके समक्ष अपना सब कुछ त्याग कर, आपके समक्ष आपके लिए रोज लड़ाई लड़ रही है, उसका साथ दीजिए। सही बात है। तो विकास अगर जनता चाहती है तो शायद उसे अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, सोच बदलना होगा, तभी वो सही प्रत्याशी को चुन पाएंगे। आप देख रहे सब पर नज़र। धन्यवाद।